उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दोस्तों ने ही किया था राजा हत्याकांड का खुलासा। दोस्तों ने 4,000 रुपए के विवाद में किया था राजा का कत्ल। नहीं था तो राजा पर एक आरोपी है, 4,000 रुपए थे उधार। उधार का रुपया लौटा नहीं रहा था राजा। रुपये वापस लौटाने कहकर राजा को आरोपी स्कूटी पर साथ ले गए और पीठ पर छुरे से वार कर किया था राजा को घायल। घटना का किसी को पता न चली, इसलिए आरोपियों ने बाद में राजा के गला काट कर कर दी थी हत्या। 27 नवंबर को आरोपी राजा के शव को दोस्तपुर के पास हाईवे किनारे फेंक कर हो गए थे फरार। दो आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से दो छुरे और एक तमंचा भी बरामद। स्वाट टीम और कोतवाली देहात पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसएसपी ने पुलिस किया 25,000 रुपए। एक सेकंड बता रहा हूँ। 30/11 को जनता की सूचना पे एक अज्ञात व्यक्ति का शव दोस्तपुर फ्लाईओवर थाना कोतवाली देहात में बरामद हुआ था, जिसकी शिनाख्त मारूफ उर्फ राजा के रूप में हुई, जो धमेड़ा अड्डा का रहने वाला था। शुरुआती दौर में जो पुलिस की छानबीन थी उसमें इस बात की आशंका अधिक थी कि उसका एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था और शादी से मना कर देने की वजह से यह आशंका जाहिर की जा रही थी कि संभवतः उसी के परिवारजनों द्वारा हत्या की घटना की गई होगी। और दुर्भाग्यवश उसके परिवार के लोग जो संदिग्ध थे, उन कुछ लोग घर से पलायन कर गए थे, जिसकी वजह से इस आशंका को अधिक बल मिल रहा था। पुलिस ने बहुत ही गहराई के साथ और निष्पक्षतापूर्वक पूरे प्रकरण की छानबीन की। संदिग्धों को पूछताछ हेतु लिया गया कब्जे में, लेकिन पूछताछ से प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि जिन पर शक व्यक्त किया जा रहा था उनकी इस घटना में कोई संदिग्धता नहीं। इसके बाद पुलिस ने जगह जगह CCTV कैमरे तलाशे और एक जगह हमें ऐसे फोटोग्राफ मिले जहां पर ये दो अन्य के साथ जाता हुआ दिख रहा था, जो बिल्कुल भिन्न किस्म के लोग थे। तो इसमें से एक की पहचान साकिब के रूप में हुई। फिर साकिब की जब तलाश की जाने लगी तो साकिब अपने घर पर गायब था उसी दिन से। फिर साकिब किसी माध्यम से जानकारी में बात आई कि साकिब के हाथों में चोट है और चोट संभवतः हत्या की घटना कारित करते समय जो चाकू इस्तेमाल कर रहा था उसी से इसको आई है। फिर साकिब को स्वाट टीम के द्वारा गिरफ्तार करके थाने लाया गया। गहराई से पूछताछ की गई तो मृतक की स्कूटी इसकी निशानदेही पर बरामद की गई है। आला कत्ल बरामद किया गया है। चाकू तमंचा कारतूस आज बरामद हुए हैं इसके कब्जे से, यद्यपि हत्या चाकू से की गई थी। कहानी जो निकल के आई वो ये थी कि मृतक ने 4,000 रुपये साकिब से उधार लिए थे। काफ़ी दिनों से तकादा कर रहा था लेकिन साकिब दे नहीं रहा था। इस बात को लेकर इसके मन में हिंसा की भावना पैदा हुई थी। उस दिन 27/11 की शाम को जो मृतक था मारूफ उर्फ राजा, उसने इससे कहा कि अपने एक मित्र से चल करके तुमको पैसे दिलवा देता हूँ। तीनों एक ही स्कूटी में, साकिब और इसका एक दूसरा मित्र यश, जिसका नाम है पुत्र मनोज कुमार, ये कोतवाली नगर नजीमपुरा का रहने वाला है, ये तीनों एक स्कूटी पर बैठ के निकले। काफ़ी देर तक इधर उधर घुमाने के बाद और जब उसके मित्र से पैसा इसे नहीं प्राप्त हुआ तो ये आवेश में आ गया और आवेश में इसने चाकू से उसके ऊपर प्रहार कर दिया। उसी समय कोई ट्रैक्टर सामने से आ रहा था तो एक खींच के शव को किनारे ले गया और देखा कि वो बिल्कुल मरणा सन्न है। इसके बाद इसको लगा कि ये घायल हो गया है और इस बात को लोगों को बता देगा, तो इस वजह से इसने पुनः फिर उस पर गला काट करके और उसकी हत्या कर दी और शव को छुपा दिया था और उसकी स्कूटी भी ले जा करके इसने छुपा दी थी। तो इस तरह से इस घटना का बहुत ही सफल अनावरण पुलिस टीम के द्वारा किया गया है और अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। सर, इनका कोई पुराना आपराधिक इतिहास भी है? फिलहाल अब तक जानकारी में कोई पुराना इनका आपराधिक इतिहास नहीं पाया गया है और ये पहली बार घटना जो पुलिस के अभिलेखों में लिखा पड़ी हुई है, ये इसकी पहली घटना। हाँ, 25,000 रुपये की पुरस्कार राशि उस टीम को दी गई है जिसके द्वारा घटना का अनावरण किया गया है।